हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोबाइल हीरो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त होस्ट सुरेश सिंह राणा। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूं जबरदस्त कमाल की ट्रिक, कमाल की वीडियो, जिसे सुनकर के देख करके आपको 100% एक चीज की गारंटी मिल जाएगी कि आपने जो आज तक किया है या जो आज तक आपको करवाया गया है या जितने भी यूट्यूब चैनल आपने खोले हुए हैं और आप लोग देखते हैं, जो लोग आपको यूट्यूब के हिंदी में अपडेट देते हैं या इंडिया के अंदर अपडेट देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आज की डेट में सीटीआर। आपको अभी यानी कि लगभग जब से 2021 लगा है उसके बाद आपको आज तक सीटीआर आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि सीटीआर का ऑप्शन कहाँ गायब कर दिया यूट्यूब ने। फ्रेंड्स, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सीटीआर में आपको जो पुराने यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूब अपडेट आते हैं उनकी हिंदी में इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन वो लोग गलत भी दे देते हैं और हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग YouTube अपडेट को डायरेक्टली जाके चेक तो करते नहीं है। हम उनकी बात सुन करके उनकी बातों पे आ जाते हैं और हम लोग अपना भी चैनल कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में मोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सारे यूट्यूबर के लिए मैं नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे हैं जो आपको आज तक गलत मोटिवेट करते थे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा एक्चुअली CTR कैसे देखना है और आप किस तरह से अपना CTR चेक कर सकते हैं और आपको CTR क्यों चेक करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है बात हमें CTR क्यों देखना है। CTR को फ्रेंड्स पहले हम समझ जाते हैं CTR क्या है। CTR फ्रेंड्स YouTube में CTR उसे बोला जाता है जैसे आपके चैनल पे कितनी ऐड आ रहे हैं और आपकी वीडियोस पे कितनी ऐड आ रहे हैं, यानी कि जो आपका वीडियो ज़्यादा देखा जाएगा उसमें 100% बात है आपकी एड्स ज़्यादा चलेंगी, यानी कि उस CTR में आपका पूरा चैनल का देखा जाता है कि आपके पूरे चैनल पे कितनी ऐड आ रही हैं। उसमें आपको बताया जाता है कि ज़्यादा ऐड मत लगाना, नहीं तो एडसन आपको हटा देगा। उसका रीज़न ये है कि CTR एक तरफ से परसेंटेज है आपके ऐड का, कि आपके चैनल पे कितनी एड्स आ रही हैं उसका एक परसेंटेज दिखाया जाता है CTR में। लेकिन फ्रेंड्स, आज की डेट में CTR गायब हो गया है, यानी कि YouTube या एडसन पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब आप इसको ये जान लो कि CTR से यदि आपका ऐड का परसेंटेज देखा जाता है तो उस ऐड का परसेंटेज को पुराने कुछ यूट्यूबरों ने ऐसा गलत मोटिवेट किया है कि आपको CTR हमेशा चेक करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 14% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको एडसन से हटाया जा सकता है। यदि आपका CTR 14% से ऊपर जाता है तो आपको कहीं ना कहीं अपने उस वीडियो के एड्स ऑफ कर देने चाहिए जो वीडियो आपका ज़्यादा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था इस CTR का फुल स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी, शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आती है नेक्स्ट स्टेप की बात कि अब आप CTR कैसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में मैं खुद ही कह रहा हूँ CTR का ऑप्शन ही आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले गलत आपको ये मोटिवेट किया जाता था कि CTR ज़्यादा जाएगा या 30% तक चले गया तो मतलब ये सोचो आपका चैनल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, CTR चेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। CTR आपके चैनल को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, आपके एडसन अकाउंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो इसलिए अब CTR को हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, CTR कुछ नहीं है, आपको CTR से कोई लेना देना नहीं होता है, बस आप अपना काम करते रहिए और अपनी वीडियोस बनाते रहिए। यदि इस वीडियो से रिलेटिव आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं, लेकिन यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।